हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी सिक्स्थ सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके अंदर एक बुक आती है जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो, वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकेंड। तो इसकी जो सेवन्थ यूनिट है वहाँ तक मैं वीडियोस बना चुका हूँ, फर्स्ट से लेकर सेवन्थ यूनिट तक। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो भाई, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट एट्थ की, जो है इकबाल से संबंधित, जो मतलब कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है ना, उनकी एक यूनिट है यूनिट एट्थ, और इसका एक चैप्टर है अपना समुदाय। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो के थ्रू जो इकबाल की यूनिट है यूनिट एट्थ इकबाल के नाम पर ही है, ठीक है, तो इसके पहले जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि इकबाल कौन थे और इनकी शिक्षा वगैरह या फिर इनका निधन कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था। तो इससे रिलेटेड हम जो इन्फॉर्मेशन है वो जानेंगे, जीवन परिचय जो आप कह सकते हो, ठीक है, इंट्रोडक्शन इनका वो जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जोर देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जीवन परिचय है वो भी किसका, इकबाल का, क्योंकि इनकी यूनिट है एट्थ। और सबसे पहले हमें जीवन परिचय पता होना चाहिए, और अगर आपके एग्ज़ाम में इकबाल से संबंधित या समुदाय से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, थोड़ा बहुत जो मेन मेन इन्फॉर्मेशन जो आपको लगती है, ठीक है, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, उनको शिक्षा कहाँ मिली और इनका पालन पोषण किस परिवार में हुआ था, और साथ साथ इनका निधन कब हुआ, ठीक है। तो ये जो चार से पांच बेसिक लाइन्स है आप लिख सकते हो, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन आपको इसमें दिख जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं जीवन परिचय। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को पश्चिम पंजाब के शहर जो कि है सियालकोट में हुआ था, ठीक है। पश्चिमी पंजाब जो है वहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है सियालकोट, तो वहाँ पे अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जन्म हुआ था, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं इकबाल, ठीक है। और कब हुआ था, 9 नवंबर 1877, 9th November 1877 में हुआ था। अब उनके पूर्वज जो थे ना, वो सप्रू गोत्र के कश्मीरी ब्राह्मण थे, ठीक है, उनके जो पूर्वज थे इकबाल के, तो वो सप्रू गोत्र के कश्मीरी ब्राह्मण थे, ये आपको याद रखना है। बाकी इकबाल के पिता अत्यंत धर्मपरायण और सूफी स्वभाव के थे, ठीक है, उनका बिहेवियर कैसा था, सूफी टाइप का था। इकबाल की शुरुआती शिक्षा मकतब में हुई, जहाँ से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। तो मकतब में ना उन्होंने शिक्षा जो थी वो मतलब शुरू की थी, शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया था, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जैसे प्राइमरी स्कूल होता है वैसे ही वहाँ पे इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी, और लिखना ये पढ़ना सीख गए थे। फिर इसके बाद इकबाल बनाने में उनके आदि गुरु मौलाना मीर हसन का महान योगदान जाता है, ठीक है। तो जो मतलब कि इकबाल है, उनको इकबाल बनाने में, पहले इकबाल को ना कुछ और नाम दिया जाता था, वो भी हम जानेंगे। तो इकबाल को इकबाल बनाने में उनके जो गुरु है ना, जिनका नाम है मौलाना मीर हसन, तो उनका महान योगदान जाता है इकबाल को इकबाल बनाने में। अब सियालकोट में आरंभिक शिक्षा के दौरान ही इकबाल उर्दू में गज़ल कहने लगे थे, ठीक है, जब वो शुरुआती शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो सियालकोट में ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, जो बताया था उन्होंने मकतब वहाँ पे, तो वहाँ पर ही ना इकबाल उर्दू में जो गज़ल होते हैं वो कहने लगे थे। उर्दू के साथ साथ फारसी और अरबी जबानी बनी रही, ठीक है, उर्दू के साथ साथ वो फारसी अरबी भी सीख गए थे। यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इकबाल 1895 में लाहौर आ गए, ठीक है, जहाँ उन्होंने बीए और दर्शन शास्त्र में एमए किया था उन्होंने, ठीक है। इकबाल 1905 में, थोड़े समय बाद, ठीक है, 1905 में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। फिर 1907 में जो म्यूनिक है, ठीक है, म्यूनिक विश्वविद्यालय से इकबाल ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली, ठीक है, इन्होंने पीएचडी कर ली थी म्यूनिक जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय वहाँ से। फिर 21 अप्रैल 1938 में, ठीक है, 1938 में, तो इनकी जो मतलब कि लंबी बीमारी जो इनको बहुत समय से हो रही थी, उसके बाद इनका क्या हो गया था, निधन हो गया। तो ये इनके जीवन परिचय से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है इकबाल के बारे में, ठीक है। बाकी इनसे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जो वो हम सेकंड पार्ट में जानेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में मैं वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद ये आपकी यूनिट जो है वो दो, मतलब ये जो पूरी बुक है जिसमें 11th यूनिट है, ठीक है, टोटल, तो ये आपकी 2 से 3 दिनों में कंप्लीट कर दूंगा। फिर उसके बाद अपनी जो नेक्स्ट बुक है वो करेंगे अपन, ठीक है। बाकी यही बुक है जो बहुत बड़ी थी, मतलब जिसमें
इलेवंथ यूनिट है, लास्ट फर्स्ट से लेकर इलेवंथ तक, ठीक है। बाकी जो आपकी अदर बुक्स है जो ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो उनकी जो अदर बुक्स है इसके अलावा, ठीक है, तो उसमें केवल 4 या 5 यूनिट है, 6 यूनिट है, वही है, बाकी हम जल्दी जल्दी कवर कर देंगे। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।